मंदिर में क्रॉप टॉप पहनने पर ट्रोल हुई अजय देवगन की बेटी निशा। यूजर बोला, बिल्कुल समझ नहीं की अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वो कई बार ट्रोलर्स का निशाना बन चुकी हैं। कभी स्किन टोन तो कभी कपड़ों की वजह से उन्हें ट्रोल किया जाता है। ट्रोलर्स की इस हरकत पर अजय देवगन भी भड़क चुके हैं। हाल ही में निशा मुंबई में अपने पिता अजय देवगन के साथ मंदिर के बाहर नजर आईं। इस दौरान उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आए और उन्होंने निशा का ट्रोल करना शुरू कर दिया। निशा की मंदिर वाली तस्वीरें मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इस तस्वीर में निशा ने पीले रंग का क्रॉप टॉप और कैजुअल ट्राउजर पहन रखा है। उनके हाथ में प्रसाद भी नजर आ रहा है। लेकिन निशा का ये अंदाज कुछ लोगों को रास नहीं आया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर फप्तियां कसना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, इन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं कि मंदिर में किस तरह जाएं। वहीं दूसरे ने पूछा, मंदिर में भी पूरा फैशन चाहिए इन्हें। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर जाता तो मेरे पिताजी मुझे थप्पड़ मार देते। बता दें, इससे पहले जब निशा अपने परिवार के साथ अमिताभ बच्चन की दिवाली पार्टी में पहुंची थी तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इस मौके पर अजय देवगन की बेटी निशा ने पीच कलर का लहंगा और गोल्ड की कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना था, लेकिन उनका मेकअप फैंस को पसंद नहीं आया। दरअसल निशा ने आईलाइनर के साथ ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई थी और गालों को हाईलाइट किया हुआ था। निशा बेशक सुंदर लग रही थी, लेकिन यूजर्स ने उनके इस लुक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, तुमने 150 किलो मेकअप लगाया है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ये बॉलीवुड के बच्चे अचानक गोरे कैसे हो जाते हैं। एक यूजर ने तो उन्हें भूत तक कह दिया। एक ने लिखा है, भगवान इसने कितना मेकअप किया हुआ है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो लिखा, डर रही है या डरा रही है।